जी बेटा, सर अरशद बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पाकिस्तान। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की नजरियाती असास, आइडियोलॉजी विद बेसिस ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा चैप्टर नंबर वन बाब नंबर वन का टॉपिक है। मेन टॉपिक यही है इसका। इसमें हमने जो सब हेडिंग है, ये सब टॉपिक है नजरिए की तारीफ, वापिस और अहमियत, डेफिनेशन, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। ये चैप्टर नंबर वन का मेन जो है वो सब हेडिंग भी है, सब टॉपिक भी है। ठीक है, इसकी हेडिंग आएगी 20वीं सदी का अहम वाक्य। 20वीं सदी का अहम वाक्य बरसवीर सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान के नाम से एक आजाद रियासत का क्या 20वीं सदी का अहम तरीन वाकया है। अंडरलाइन कर लें इसको, एमसीक्यूज है। पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, तो ये 19वीं सदी का अहम वाकया है, एमसीक्यूज भी है। इसके पीछे एक मजबूत नजरिया कार फरमा था। अंडरलाइन करें, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, मजबूत नजरिया कार फरमा था, स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी। वो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी क्या थी? वो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी इस्लाम है। कौन सी है? इस्लाम है। नजरी के लिए अंग्रेजी में आइडियोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अच्छा बेटा, 19वीं सदी में बहुत सी अकवाम ने आजादी हासिल की दुनिया के नक्शे पर उभरी। उसमें बेशतर अकवाम के नाम जैसे नेदरलैंड है, हॉलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, स्पेन है, पुर्तगाल है, चाइना है, ये तमाम ममालिक ने 19वीं सदी में आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान ने भी 19वीं सदी में आज़ादी हासिल की। जो दीगर ममालिक ने आज़ादी हासिल की उनकी बुनियाद, किसी ने नस्ल की बुनियाद पे आज़ादी हासिल की, किसी ने जुबान की बुनियाद पे आज़ादी हासिल की, किसी ने इलाके की बुनियाद पे आजादी हासिल की। जबकि मुसलमानों ने आजादी जो है वो नजरिया इस्लाम के नजरिए के तहत आजादी हासिल की, जो बिल्कुल मुनफरिद और जुदागाना थी। ठीक हो गया बेटा। नजरिया आइडियोलॉजी अगली हेडिंग है। इसकी सब हेडिंग है मुकातबे फिकर और मुहक्किकीन की राय। मुकातबे फिकर किताबें, माशरे के बारे में किताबें लिखने वाले, सोसाइटीज के बारे में, सोसाइटी के इश्यूज के बारे में, सोसाइटी के मसाइल के बारे में, सोसाइटी की माशरे के अच्छाई के बारे में लिखने वाले को क्या कहते हैं? मुकातबे फिकर। ठीक है, और मुहक्किकीन रिसर्च करने वाले, मुहक्किकीन रिसर्च करने वाले। ठीक है, लफ्ज नजरिया अपनी तारीफ और मायने के लिहाज से इब्तिदा से, शुरू ही से समाजी दानिश्वर, अंडरलाइन करें, यानी कि माशरे के पढ़े लिखे लोग, समाजी दानिश्वर माशरे के पढ़े लिखे लोग के दरमियान इख्तलाफ बाइस बना रहा है, यानी कि हर लिखने वाले ने नजरिए की तारीफ अपने अल्फाज में बयान की, कोई भी एक तारीफ दूसरे से नहीं मिलती। मुख्तलिफ अदवार में, यानी कि मुख्तलिफ पीरियड्स में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ दौर में, अदवार है दौर की जमा है, तो मुख्तलिफ पीरियड्स में, मुख्तलिफ दौर में मुकातबे फिकर लिखता था कि मुआशरे की इस्लाह के लिए लिखने वाले को मुकातबे फिकर कहते हैं। और मुहक्किकीन जो रिसर्च करते हैं इल्म के ऊपर अपने अपने अंदाज में बयान किया है। ठीक है, मायने के लिहाज से अटला कह रहे नजरिए से मुराद सोच या मकसद है। क्या है? सोच या मकसद, किसी चीज के बारे में सोचना और किसी चीज को हासिल करने के लिए उसके लिए कोई कुछ भी मकसद होता है। ठीक है, जबकि इस्लाही मायनों में, यानी आसान मायनों में, इस्लाही मायनों में, आसान मायनों में नजरिक तरीक इस तरह भी की जा सकती है। नजरिक तरीक इस तरह से की जा सकती है, नंबर एक पॉइंट में है या बुलेट में है, इसको लिख लीजिएगा आप। किसी शय का वजूद, किसी चीज का वजूद,
किसी शय को का वजूद में आना, कोई चीज बनानी, किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में सोच, थिंकिंग, ठीक है, फिकर और नक्शा, स्केच जो उभरता है उसे नजरिया कहते हैं। मसलन राइट ब्रदरान जिन्होंने जहाज बनाया, तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि ये जहाज बनाना है, तो उन्होंने सबसे पहले जो मुशाहिदा किया, ठीक है, उन्होंने उसको ईगल का मुशाहिदा किया कि ये फिजा में उड़ रही है, तो ये कैसे अपने विंग्स को मूव करती है, कैसे ये ऊपर जाती है, कैसे ये नीचे आती है, तो उन्होंने इस चीज का उन्होंने बहुत जायजा लिया, और उस जायजा लेने के बाद उन्होंने उस पर क्या हुआ, उस पर काम करना शुरू कर दिया, और एक वक्त आया कि वो उन्होंने जहाज को बना लिया, राइट ब्रदरान थे ना वो, तो किसी शख्स को वजूद में लाने के लिए जहन में सोच, फिकर और नक्शा, ख्याल का उभरता है उसे नजरिया कहते हैं, तो वो नजरिया कहलाता है। मकसद का हासिल, कोई चीज को हासिल करना, मकसद का हासिल अंडरलाइन करें इसको, किसी चीज को हासिल करने की कोशिश, अपने टारगेट को हासिल करने की कोशिश, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश के लिए एक फिक्री खाका, एक स्केच, एक खाका, एक अक्ष उभरता है आपके जहन में, नजरिया कहलाता है। किसी खास मकसद के लिए, एक जैसे खास मकसद मुसलमानों के लिए, जो बड़े सगीर के मुसलमान थे, उनका खास मकसद क्या था कि अपने आप को हिंदू माशे से जान छुड़ाकर आपने एक ऐसा पाकिस्तानी मुसलमानों वाला माशरा जिसमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके, ये खास मकसद है, ठीक है, वो हासिल करना। तो किसी खास मकसद के लिए कौम की इज्तमाई सोच, एक सोच, इज्तमाई सोच यानी वो जो कौम है, जो वहां पर मुसलमान रह रहे हैं, उनकी सबकी एक सोच हो गई थी कि हमने क्या करना है, बरसगीर से आजाद, बरसगीर के हिंदुस्तान से हमने आजादी हासिल करनी है, अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी है, ठीक है। तो एक खास मकसद और दूसरा कौम की इज्तमाई सोच पर मुत्तफिक हो जाना, राजी हो जाना, मान जाना, उस पर एग्री हो जाना, नजरिया कहलाता है। अगला है ऐसे बात जो लोगों को मकसद को हासिल करना, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ऐसी बात जो लोगों को मतभेद करे, ठीक है, ऐसी बात, ऐसी सोच जो लोगों को इकट्ठा कर दे। फिर मैं आगे कहूंगा कि ब्राजील के मुसलमानों को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, किसने इकट्ठा किया, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लीडर आए, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, जाकिर अली खान, चौधरी रहमत अली, इलामा इकबाल, काजी आजम, ठीक है, इन तमाम लीडर्स ने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और फिर उस टारगेट को, उस मंजिल को पाने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी, उस टारगेट को, उस मंजिल को पाने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी, नजरिया कहलाता है। ऐसी बात जो लोगों को मदद करके इसके असूल की कोशिश पर आमादा कर दे, राजी कर दे, नजरिया कहलाता है। नजरिए की एक बेटा जनरल डेफिनेशन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, ठीक है। तो नजरिए की तारीफ जो एक प्रिसाइज वर्ड्स में बयान की गई है, अल्फाज में बयान की गई है, नजरिए से मुराद ऐसा जाब्ता या प्रोग्राम, जाब्ता रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके बिना फलसफा तफक्कुर यानी कि सोच ख्याल पर रखी गई हो, और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मुख्तलिफ और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ इश्यूज को, मसलन सियासी, मुआशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई मनसूबा बनाया गया हो, यानी कि इंसानी जिंदगी के जो मुस्लिम मसाइल है, मुख्तलिफ मसाइल, अगर सियासत है जैसे इस्लाम, अगर हम इस्लाम को बुनियादी नजरिया को मानते हैं, इस्लाम हमें बताता है कि हमने सियासत किस तरह से करनी है, उसका मैं हल भी बता रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शासन करके दिखाई। इसी तरह से मुआशरा, मुआशरे में किस तरह से लाया जाता है, तो आपने अखुवत और भाईचारे की मिसाल कायम की, ठीक है, आपने अमीर और गरीब का फर्क को
और गोरे और काले के फर्क को मिटाया, खुतबा हिज्जत अल विदा में बताया, ठीक है, माशरे में किस तरह से रहना है और तहजीब तमद्दर क्या है, ठीक है। तो ये जो तमाम इश्यूज है हम अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में फेस करते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं, तो उन मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा बनाया गया हो आइडियोलॉजी कहलाता है। एक और डेफिनेशन है वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया, इसको लिख लीजिएगा, एडिशनल में लिख लें इसको आप, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक नजरे के तहरीर क्या है, सियासी और तबदरी असूलों का मजमुआ, नजरिया सियासी और तबदरी असूलों का मजमुआ है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें इस्तेवार होती हैं, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर जॉर्ज ब्रॉस, ये भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, फलसफी थे, उन्होंने भी नजरे की जो तरीके बयान की है वो भी लिख लें आप, जॉर्ज ब्रॉस। आम जिंदगी का जाब्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फिक्र और फलसफे पर हो आइडियोलॉजी कहलाता है, ठीक हो। आपके पास जो मेन डेफिनेशन है, ठीक है, एक तो वो आपको मैंने जो अपने पॉइंट्स में पढ़ी है वो भी है, डेफिनेटली वो भी है, साथ में आपने जो मैंने आपको कल ये कहा था नेमली पॉइंट के डेफिनेशन लिखाई थी उसको, प्लस आपने ये जो जॉर्ज ब्रॉस और बर्डन सर्वे मीडिया को इसको भी आपने इंक्लूड करना है। अगर आपको नजरिए की तारीफ आता है, क्वेश्चन आता है कि नजरिए से क्या मुराद है, लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन है नजरिए से क्या मुराद है, तो फिर आपने ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है और साथ में ये जो तीन डेफिनेशन है सारी साथ लिख लिया, ठीक है। अब बेटा ये नजरिया बनता कैसे है, ठीक है, तो उसके लिए जो अगली हेडिंग है जो टॉपिक है नजरिए के माखिज सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, नजरिए के माखिज रजल है कॉमन रिलीजन मुशरका मजहब, नंबर वन है मुशरका मजहब कॉमन रिलीजन, मजहब महज इबादात का मजमुआ नहीं कहते हैं कि सिर्फ जो इबादात है वही कंपोजिशन नहीं है दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरे की जिंदगी को मुतासर करता है, ठीक है। मतलब मजहब में अगर आप फिर इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं इस्लाम को, तो इस्लाम में हुकुल्ला है यानी कि इबादात है नमाज रोजा हज ज़कात, ठीक है, ये हमारी मजहबी इबादात है, ठीक है, इसके साथ साथ हुकुल इबादत भी है लोगों के हुकुम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मजहब जो है वो एक इबादत का मजमू भी है बल्कि पूरी माशरती जिंदगी पर हमारी सोशल लाइफ पर बड़े गहरे असरात मरतब करता है, ठीक है। 19वीं सदी में बरसगीर पाकोविंद में कई हिंदू तहरीकों का आगाज हुआ, बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, 19वीं सदी की अहम तहरीक कौन कौन सी हैं, लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी की अहम तहरीक कौन कौन सी हैं, तो बेटा 19वीं सदी की दो तहरीकें थी, ये हिंदुओं की तहरीकें थी, कौन सी तहरीकें थी, ये हिंदुओं की तहरीकें थी, एक तहरीक का नाम था आर्य समाज, दलाई करें दूसरा ब्रह्मो समाज। अच्छा बेटा आर्य समाज ये वो कौम थी जो जर्मनी से माइग्रेट करते हुए सब कॉन्टिनेंट में पहुंचे, इनको हम आर्यंस भी कहते हैं, आर्यन नस्ल के लोग, और एक ब्राह्मण समाज ये वो लोग थे जो बरसगीर के लोकल लोग थे पहले से रहने वाले, यानी कि आर्यन से पहले रहने वाले लोग जो थे उनको ब्राह्मण समाज ब्राह्मण कहते थे, ब्राह्मण भी उसको कहते हैं हम, ठीक है। तो दो तरीके थी, आर्य समाज और ब्राह्मण समाज ने जन्म लिया। अब इन दोनों तरीकों का मकसद क्या था कि मुसलमानों को कमजोर किया जाए, मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, और हिंदुइज्म की यानी कि हिंदू मजहब की अशात ज्यादा की जाए और इस्लाम के मानने वालों की तादाद को कम किया जाए, ठीक है। आर्या अगली हेडिंग डालें, आर्य समाज का अहम रहनुमा या आर्य तहरीक का अहम रहनुमा, तो इसके जो अहम रहनुमा था बानी यानी कि उसका जो फाउंडर था रहनुमा था मेन पंडित दयानंद सरस्वती,
क्या नाम था? पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी, उसने क्या किया? शुद्धि। शुद्धि का मतलब बताया बेटा कि पाक साफ करना। शुद्धि का मतलब क्या है? पाक साफ करना। तो उसने शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद गैर हिंदुओं को जबरदस्ती यानी हिंदू यानी हिंदी हिंदुस्तान के मुताबिक पाक साफ करना बनाना था। यानी कि इसका मकसद क्या था कि जो लोग मुसलमान हुए हुए हैं उनको जबरदस्ती दोबारा हिंदू मजहब में ले गया, उनको दोबारा से हिंदू बनाना जबरदस्ती बाय फोर्स, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? शुद्धि कर रहे हैं ये, उनको दोबारा से उनको मजहब हिंदू की तरफ रागब किया जा रहा है जुल्म और सितम के जरिए, जोर जबरदस्ती के जरिए, ठीक है। इसके बाद है ब्राह्मण समाज का अहम रहनुमा, इसका नाम था राजा राम मोहन रॉय। क्या नाम था? अंडरलाइन कर ले, राजा राम मोहन रॉय। इसका भी मकसद यही था कि ये मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को इकट्ठा करना था, तकरीरें करता था और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाता था कि भाई तुम्हारा मजहब तो ये है, तुमने कौन सा मजहब इख्तियार कर लिया है, इस मजहब को खत्म करके आप अपने असल वाले मजहब में आ जाओ, ठीक है। कांग्रेसी दौर अंडरलाइन करें, दौर हुकूमत 1937-39। तो बेटा ये 1937 से 1939 में हिंदुओं ने अक्सरियत की बना पर क्या किया, वहां पे इलेक्शन हुए और हिंदुओं ने टोटल 11 सीटें थी, 11 में से 7 नशिस्तें जो थी वो हिंदुओं ने जीत ली। अब वो क्या हुआ कि वो 7 नशिस्तें जीतने से क्या हुआ कि मुसलमानों पर जो हिंदू रहनुमा थे उन्होंने जुल्म सितम शुरू कर दिए। तो कायदे आजम ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि ये जो इस निजाम के तहत ये वजारतें कायम हुई हैं, ये मुसलमानों के हकूक गजब कर रही हैं, मुसलमानों के जुल्म सितम कर रही हैं, मुसलमानों का इस मुल्क में रहना मुश्किल हो गया है। तो आखिरकार ये जो 7 वजारतें थी, इस 7 वजारतों से कांग्रेस को इस्तीफा देना पड़ा और कायदे आजम ने इस दिन यौमे तशक्कुर बनाने का ऐलान किया, इसको हम डे ऑफ डिलीवरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो एक ये नजरिया भी है, ठीक है, मुशरका मजहब भी सोर्स है नजरिए का, ठीक है, वन ऑफ द सोर्स, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 आई है मुशरका सियासी मकासद, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, हेडिंग आ जाएगी जमहूरियत का तसव्वुर, जमहूरियत का तसव्वुर इसकी हेडिंग आएगी। कहते हैं मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अकवाम ने अपनी आजादी की जद्दोजहद की, यानी कि अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की, मतलब कैसे की, मतलब जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मुसलमान जो थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने जब देखा कि हिंदू माशरे में हम हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम पे जुल्म सितम हो रहा है, हमारे हक पूरे हकूक नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल करें। तो उसके लिए उन्होंने सियासी जद्दोजहद शुरू कर दी। तो ये एक नजरिया बन गया कि नहीं बना, सियासी मकासद। तो वहां के रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने अपना एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमने हिंदुस्तान से अलहदा एक रियासत हासिल करनी है जहां हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें, ठीक है। अंग्रेजों की आमद से अंग्रेज के पाको हिंद में जमहूरियत का तसव्वुर उभरा। जब अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट में आए 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने सब कॉन्टिनेंट पे हमला कब्जा कर लिया और मुसलमान जो बादशाह थे वो महकूम हो गए और हिंदुस्तान पे पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो उन्होंने जमहूरियत का तसव्वुर दिया। जमहूरियत का मतलब होता है कि बेटा जो जमात इलेक्शन लड़ती है और लोगों के वोट लेके आगे अपनी हुकूमत बनाती है, ज्यादा वोट लेके आगे हुकूमत बनाती है, वो फिर अपना निजाम हुकूमत भी कायम करती है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी कायम करती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जमहूरियत, ठीक है। तो जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के जरिए अमल में लाना था, हुकूमती नुमाइंदों के जरिए कि जिन्होंने लोगों ने वोट डाला है कि आप पार्लियामेंट में आके हमारी नुमाइंदगी करें। आबादी के लिहाज से मुसलमान ब्रजीर पाको हिंद में अकलियत में थे, कम तादाद में थे मुसलमान, कम तादाद में थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। जाहिर है कि अगर जो जो
हिंदू है वो एक लाख की तादाद है, मुसलमान 20,000 की तादाद में है, इलेक्शन होते हैं ज्यादा सीटें तो हिंदू लेंगे, ठीक है, और पाकिस्तान मुसलमानों को मिली 20,000 सीटें मिली, तो क्या हुआ, हुकूमत किसने बनानी थी, हिंदू ने बनानी थी, तो जाहिर है मुसलमानों को वो हुकूमत मिलने नहीं थे, अकलियत में थे तो अपने वो लॉज बना नहीं सकते थे, ठीक है, तो मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था, तो नए सियासी निजाम ने ये शौक दिया, ये पोलिटिकल सिस्टम था जमहूरियत का, उसको लोगों को शौक दिया, इसकी वजह से मुसलमानों का तशक्कुस उभरने लगा, मुसलमानों की पहचान उभरने लगी और उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई और तेज कर दी, ठीक हो गया। तो दूसरा सोर्स क्या है, मुशरका सियासी मकासद, तीसरा है मुशरका तालीमी मकासद कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, अंग्रेजी निजाम में तालीम स्कैटरिंग आएगी, तो मुशरका तालीमी मकासद भी किसी कौम के नजरिए के माखिज होते हैं, सोर्स होते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जे के बाद एक ऐसा निजाम तालीम मुतारफ कराया तो उसमें अंग्रेजी की तालीम को जरूरी करार दिया, नया निजाम तालीम मुतारफ कराया उसमें अंग्रेजी तालीम और मरकजी जबान की हैसियत हासिल थी, उसमें अंग्रेजी जबान को मरकजी हैसियत हासिल थी। इस पर मुसलमान उलमा ने रद्दअमल का इजहार किया, रिएक्शन किया, अंग्रेजी जबान सीखने को खिलाफ इस्लाम करार दिया, भाई ये तो इस्लाम के खिलाफ है तो हम तो इसको नहीं सीखेंगे, ठीक है, उसको मानने से इनकार करके उलमा ने, ठीक है, तो बिस्तर मुसलमान ने निजाम को रद्द कर दिया, पाने से इनकार कर दिया, ये सब एक नजरिए की बुनियाद पर हुआ और वो नजरिया इस्लाम था, वो कौन सा नजरिया था, नजरिया इस्लाम था। अब तक मुशरका नंबर फोर है, मुशरका मुआशी मुकासिद भी नजरिए के सोर्स में से माफिस में से एक माफिस है, कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, हिंदुओं की चार हेडिंग आएगी, मुशरका मुआशी मुकासिद भी किसी कौम के नजरिए के माफिस होते हैं। 1857 की जंग आजादी जब हुई बेटा क्या हुआ कि उस जंग में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आजादी की जंग लड़ी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मुसलमानों के पास वो असला नहीं था, मुसलमानों के पास वो जाति नहीं थी, मुसलमान मुत्तहद नहीं थे, कमजोर थे, तो वो अंग्रेज ताकत का जो जदीद असले के साथ आई थी उसका मुकाबला नहीं कर सके, हालांकि उसमें हिंदुओं ने भी साथ दिया था, लेकिन जब हिंदुओं ने देखा कि ये तो हम जंग हार गए हैं तो जो जो अंग्रेज हमें तो छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि वो जाके अंग्रेज की गोद में जाकर बैठ गए और कहा कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो मुसलमानों ने आजादी की जंग लड़ी है, हमें तो उन्होंने जबरदस्त सजा बना लिया था, ठीक है, तो हमारे इसमें कोई कसूर नहीं है। तो क्या हुआ, इसका रिएक्शन क्या हुआ, हिंदू अंग्रेजों ने क्या किया कि तमाम के तमाम जो जुल्म सितम थे वो मुसलमानों पर जो जो मुश्किल थी मुसीबतें थी वो मुसलमानों पर तोड़ने शुरू कर दी, मुसलमानों को जॉब से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, मुसलमानों की जमीनें छीन ली गई, मुसलमानों के जो रकबे थे वो छीन लिए, मुसलमानों के माल मशीन छीन लिए, मुसलमानों के घरों को लूट लिया गया, तो यह तमाम की तमाम मुसीबतें इसको फेस करना पड़ी, मुसलमानों को पेश को सामना करना पड़ा, तो इस बिना पर भी मुसलमानों ने सोचा कि इस कल्चर में इस जो 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 माशरा है जो एक हिंदुओं एक अंग्रेज का माशरा है एक हिंदुओं का माशरा है तो दोनों हम पे गालिब आ जाएंगे तो इसमें रहना तो मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुसलमानों ने क्या किया, एक नया सियासी नई सियासी जद्दोजहद शुरू की जो इस्लाम के नाम थी इस्लाम के नाम पर थी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, और जाहिर है कि वहां पर वो अपने जो बिजनेस वगैरह वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो उसके लिए उनको एक इलाका बनाना करना था जहां पर वो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके, अपनी तजारत को फरोग दे सके और अपने माशी मामला को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सके, ठीक है। तो 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेजों को यह बात समझाने में कामयाब हो गए कि जंग आजादी में मुसलमानों का किरदार ज्यादा था और मुस्तकबिल में भी मुसलमान द्वारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं, इसके नतीजे में अंग्रेजों का रवैया मुसलमानों से सख्त होता चला गया और माशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा, मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तमाम वजूहत की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार तजारत के मौके खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने नजरिए को न छोड़ा, यानी मुसलमानों ने अपने नजरिए को न छोड़ा और ज्यादा मदद की जुदाजहद करते रहे, ठीक है। अगला है बेटा लास्ट वन है मुशरका सकाफी मकासद कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा हर माशरे में हर कौम के अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है, तो मुसलमानों का अपना एक कल्चर था और हिंदुओं का अपना एक अलग कल्चर था, मुसलमान जो के नमाज रोजा हज ज़कात
ठीक है, इसके बाद इधर भी जहा है, इधर फितर है, शब कदर है, शब मेराज है, ये मुसलमानों की जो त्यौहार है, सेलिब्रेशन है, जो वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के मुताबिक करते हैं। इसी तरह से हिंदुओं का अपना कल्चर था, जिसमें वो गाय की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, गाय के पेशाब की पूजा करते हैं, बंदर की पूजा करते हैं, जो जिस दफा पचा रही है उसकी भी पूजा कर रहे हैं, उसकी भी इबादत कर रहे हैं, जो जिस फायदा पचा रही है उसकी भी। तो ये दो मुख्तलिफ कल्चर था, ठीक है, दोनों अकवाम का कल्चर मुख्तलिफ था, और सदियों साथ रहने के बावजूद भी गुल मिल ना सके, उसकी वजह क्या थी कि उनका मजहब मुख्तलिफ था। तो मुसलमानों ने इसी नजरिए को अपनाते हुए अपने अलहदा वतन का के लिए जद्दोजहद की, जिसमें वो कामयाब भी हो गए, ठीक है ना। अच्छा, मुशर्रका मकासद की बिना किसी कौम का नजरिया जन्म देता है। अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर कब्जे के वक्त उर्दू को सरकारी जबान की हैसियत हासिल थी। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा, तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी जबान देने का दर्जा देने का मुतालबा शुरू कर दिया। मुसलमान लगा हुआ कि हिंदू चाहते थे, क्योंकि हिंदुओं का मुल्क था, कहते थे कि भाई हिंदी जबान को ज्यादा प्रमोशन मिलनी चाहिए, हिंदू जबान को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए नस्बतन उर्दू जबान को, ठीक हो ना। इसके लिए उर्दू हिंदी तराजा के एडिट डाले, उर्दू हिंदी तराजा बेटा, एक इसमें छोटा सा एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ कि 1867 में सर सैयद अहमद खान ने उर्दू हिंदी तनाजे की बना पर दो कवि नजरिए को पेश किया 1867 में बनारस मुसलमान पर, कहा कि मुसलमानों का नजरिया जो है वो दो कवि नजरिया जो है उसमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना और इस्लाम के सुलभ के मुताबिक जिंदगी गुजारना ठीक हो गया। तो बेटा ये तनाजा उस पर शुरू हो गया, तो वो हिंदू चाहते थे कि जो हिंदी जुबान है उसको उसको सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाए, जबकि मुसलमान चाहते थे, क्योंकि मुसलमान नजदीक थे अरबी जुबान को पढ़ते थे, लिखते थे, समझते थे, और अरबी जुबान जो का तलफ़ुज़ है वो उर्दू की तरह का है, और उर्दू जो अरबी है वो इस्लाम जो कुरान पाक है अरबी में लिखी गई है, तो मुसलमानों को अरबी जुबान से ज्यादा उंस था, प्यार था, मोहब्बत थी, और उनके लिए पढ़ना लिखना ज्यादा आसान था, ठीक है। तो बरतानवी हुकूमत ने जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा, यानी कि उनका ज्यादा मामला में दखल अंदाजी शुरू कर दी, तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी जबान दर्जा दिलाने की कोशिश की। उर्दू क्योंकि अरबी रस्म खत, यानी कि उर्दू जो है वो का जो लिखने का तरीका रस्म खत है, उर्दू लिखने का तरीका क्या है, अरबी रस्म खत में लिखी जाती है। उर्दू क्या है, अरबी रस्म खत में अरबी के तरीके से लिखी जाती है, लिहाजा से इस्लाम और मुसलमानों के करीब तसव्वुर किया जाना था, जबकि हिंदू देवनागरी अंडरलाइन करें रस्म खत, यानी जो हिंदुओं की मजहबी किताब थी उसके मुताबिक वो चाहते थे कि हिंदी को प्रमोट किया जाए। देवनागरी यानी कि उनकी जो मजहबी किताब है जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसके मुताबिक उसकी प्रमोशन की जाए, लिहाजा तो हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी जबान का दर्जा देने का मुतालबा किया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने पर हुक्म हासिल नहीं था, जाहिर है कि वो हिंदी जबान थी, मुसलमानों की अरबी जबान थी, ठीक है। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मतहदा हिंदुस्तान में अपनी तशख्स को अपनी पहचान को बरकरार नहीं रख सकेंगे, इसलिए भी उन्होंने एक अलग वतन का मुतालबा किया, यानी कि मुशर्रका सियासी मकासद को बेस बनाकर। तो बेटा ये पांच सोर्सेज हमने पढ़ ली हैं आज, और बेटा इसको आपने शुरू से लेकर एंड तक इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाने हैं आपने, और इसको एमसीक्यू के लिहाज से भी आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।